यस ज्वाइन करें भाई, ज्वाइन करें सारे। दो लोग कम हो गए, क्या हो गया? कॉल कर। अच्छा ये बताओ, अच्छा आ गया रितिशा कल्याणी, गॉड अगेन। तो ऑल दी स्टूडेंट्स आर हियर, नो प्रॉब्लम एट ऑल। नाउ मैं जो तुम्हें दिखा रहा था फिर से वापस आते हैं उस पे। यस दिस इज आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर। ओके सो आई थिंक गुरु सर भी स्टार्ट करो। अभी क्या चल रहा है गुरु सर वाले ट्रैक 1 में, क्या चल रहा है? बोलो। आयनिक इक्विलिब्रियम, बफर इक्वेशन। ओके ओके नो प्रॉब्लम, कॉमन आयन इफेक्ट हो गया। ओके गुड, नो प्रॉब्लम, तो अच्छी बात है। ओके okay. तो मैं पूछना भूल गया एक्चुअली, है ना, डिस्कस करना था मुझे। ओके नॉमिनली
यस सब आ गए, तो यस यू विल कंटिन्यू, नो प्रॉब्लम। कितना पढ़ाया था मैं, मैंने पढ़ाया था तुम्हें कि भाई C2H6 जो है वो इथेन होता है, और इथेन जो है वो कैसा है, एलिफेटिक का मतलब है ओपन चेन विच इज नॉट एरोमेटिक। एलिफेटिक का मतलब इतना ही याद रखो, एलिफेटिक का मतलब है ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर नॉट एरोमेटिक। एलिफेटिक मतलब ओपन चेन नॉन एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यू कैन राइट इफ यू हैव डाउट अबाउट एलिफेटिक, यू कैन राइट। अच्छा चालू करें, चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। हाँ एक बच्चे ने पूछा है ना, तो उसको मैंने बताया कि इसका मतलब क्या है। हाँ जी ओके, जल्दी से देखते हैं। आदित्य, ये थाई आदित्य कौन है, ये हु इज दिस जे थाई आदित्य। सुनो ध्यान से, ये जो तो मैंने बोला था कि जो एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं है ना, और जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं वो आगे मैं पढ़ाऊंगा, क्लासिफिकेशन जो कराया है। अभी जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो एलिफेटिक कंपाउंड्स पे रहेगा, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स जो होते हैं, तो इनके ऊपर हम लोग बात करेंगे। नाउ देखो, हम लोग बात कर रहे हैं एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। दो तरीके से हो सकते हैं ये, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। ये बता चुका हूँ सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड का मतलब क्या है। सैचुरेटेड में सारे के सारे सिंगल बॉन्ड्स होंगे, एक भी मल्टीपल बॉन्ड नहीं होगा। अनसैचुरेटेड में मिनिमम वन बॉन्ड होगा। व्हाट आर वी डूइंग आदित्य, हम लोग जो लास्ट क्लास पढ़ा था IUPAC नॉमेनक्लेचर, तो ऑर्गेनिक का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने दिया है ताकि हल्का फुल्का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पता चल जाए। देन हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर पे डायरेक्ट आ रहे हैं, तो जो हमारा बाकी का पोर्शन है जैसे एरोमेटिक कंपाउंड्स जो क्लासिफिकेशन में, उसको बाद में हम लोग कवर करेंगे। स्टार्ट हम लोग कर रहे हैं एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर जो है, सॉरी जो नाम है, जो फॉर्मूलाज हैं वो कैसे लिखा जाता है, उन सब पे बात करना है। अभी के लिए बता रहा हूँ एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मतलब ओपन चेन, एलिफेटिक का मतलब है ओपन चेन होते हैं। दो तरीके के होंगे, या तो सैचुरेटेड होंगे या अनसैचुरेटेड होंगे। सैचुरेटेड में नो मल्टीपल बॉन्ड, नो पाई बॉन्ड विल बी देयर, ना तो डबल बॉन्ड होगा ना सिंगल बॉन्ड, ही सारे होंगे, ऑल बॉन्ड्स शुड बी सिंगल, सारे के सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होने चाहिए। अनसैचुरेटेड का मतलब है एटलीस्ट वन मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए, या एक डबल बॉन्ड या एक ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, एटलीस्ट वन। ज्यादा है तब भी अनसैचुरेटेड हो भाई। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे हम लोग देखते हैं, जैसे हमने देखा CH4, C2H6, C3H8, तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। तो हमें कार्बन यहाँ सेंट्रल में बनाना है, इतना तो तुम्हें पता ही है, हमने जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा है तो ये हमने पता किया है कि सेंट्रल एटम किसको बनाते हैं, और हाइड्रोजन हमेशा टर्मिनल पोजीशंस पे रहेगा। तो लाइक दैट हम लोग इसके जो है रफ स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ कर सकते हैं। तो कार्बन की वैलेंसी अगर हम चार चार पूरी करें तो लाइक दिस वी कैन ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स। ओके
ये हमारे पास मीथेन हुआ, ये इथेन हुआ, ये C3H8 को प्रोपेन बोलते हैं। कैसे इनके नाम आते हैं, क्या लॉजिक है इसके पीछे, ये धीरे धीरे तुमको पता चलेगा। अभी के लिए हम लोग देख रहे हैं कि डिफरेंट टाइप के हम लोग फॉर्मूला कितने टाइप से लिखते हैं। पहला जो चीज मैं लिखने जा रहा हूँ वो है डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मूला फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए जो डिफरेंट टाइप से फॉर्मूलाज लिखे जाते हैं वो कैसे हैं। पहला जो है वो हमारा इम्पीरिकल फॉर्मूला है ना। पहला जो हमारा है वो क्या है, इम्पीरिकल फॉर्मूला। इम्पीरिकल फॉर्मूला तुम्हें पता है कि जिसके अंदर हम लोग सिंपलेस्ट रेशियो में उसको हम लोग दिखा दें तो उसको हम क्या बोलेंगे, इम्पीरिकल फॉर्मूला। तो लिखेंगे इम्पीरिकल फॉर्मूला, इम्पीरिकल फॉर्मूला इम्पीरिकल फॉर्मूला टेल्स द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ ऑल द एटम्स एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। समझ में आ रहा है कि नहीं, बहुत आसान है ये चैप्टर, सिर्फ तुम्हें रूल्स याद करने और सारा कुछ तुम्हारा इजी होता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बेंजीन की बात करूं तो ये तो इसका एक्चुअल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, और इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा गाइस बताओ, सिंपलेस्ट रेशियो क्या आएगा, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो इसका आएगा CH, दिस इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला CH। समझ में आ गया होगा सबको, वेरी गुड वेरी गुड। फिर हमारा दूसरा आता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाया है तुमको तो ये सब पता हुआ है, एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो एक्चुअल केमिकल कंपोजिशन को बताता है, इट गिव्स एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, जितने भी उसके अंदर एलिमेंट हैं उन सबके एग्जैक्ट एटॉमिक एटम्स के नंबर देना पड़ेगा, एटम्स के नंबर, नंबर ऑफ एटम्स। मान लो कार्बन अगर दो है तो हमें दो कार्बन लेने होंगे, हाइड्रोजन तीन है तो तीन लेने होंगे, और हमें याद रखना होगा टू डिफरेंट कंपाउंड्स कैन हैव सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें याद रखना पड़ता है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, उनमें जो ज्वाइनिंग होती है वो अलग होती है लेकिन नंबर ऑफ एटम्स सेम होते हैं। जैसे अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करें तो C6H6 इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन, है बात सही कि नहीं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन। ऐसे ही अगर हम देखें तो C2H5OH, ये जो है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, C2H6O, ये दोनों ही क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एल्कोहल। देखो लेकिन C2H6OH CH3OH जो कि ईथर है ये क्या है, इथाइल अल्कोहल, और ये क्या है, मिथाइल ईथर, या इसका नाम है डाई मिथाइल ईथर। देखो इसका फॉर्मूला भी अगर कंबाइन करो कितना आएगा, C2H6O, इसका भी ये क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। देखो हमने ऊपर लिखा है ना कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग अलग कंपाउंड्स का अलग अलग नहीं हो सकता है, सेम भी हो सकता है, मैक्सिमम टाइम अलग अलग ही होता है, कभी कभी दो अलग अलग कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो सकता है। तो ये चीज आगे पढ़ने को मिलेगी, इसको आइसोमेरिज्म बोलते हैं, दैट इज डिफरेंट चैप्टर। हमें अभी याद रखना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मतलब है एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स देखने हैं। तो यहीं पे आइसोमर्ड वर्ड की जो है ओरिजिन होती है, आइसोमर्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है, जैसे एल्कोहल और ईथर, इतना याद रखो आइसोमर के बारे में। तीसरा होता है हमारे पास, ये क्या होता है,
आराम से। सुनो, तीसरा होता है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तीसरा क्या होता है? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के अंदर क्या होता है? एटम्स की कनेक्टिविटी को बताते हैं। तो लिखेंगे द केमिकल फॉर्मूला बाय विच कनेक्टिविटी ऑफ डिफरेंट एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड और मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल कंपाउंड। ठीक है, कैन बी कैन बी नोन या कैन बी ऑब्जर्व्ड इज कॉल्ड इट्स टर्म्ड एज स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। मतलब सिंपल है, जैसे तुमने बोला कि CH4 है तो ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है बस, सही कि नहीं? लेकिन इसमें कनेक्टिविटी नहीं दिख रही है, लेकिन अगर मैंने ऐसे बना दिया तो इसमें कनेक्टिविटी दिख रही है कि सिंगल बॉन्ड से ये बना हुआ है, तो इसको बोलेंगे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सिर्फ कनेक्टिविटी बताता है, एंगल वगैरह नहीं बताता है वो। इट विल नॉट गिव यू द एंगल्स। अब हम लोग लिखेंगे टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इसके भी बहुत सारे टाइप होते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही मोस्ट सॉर्ट आउट है इनका टाइप, बाकी कहीं पे किसी भी और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अलावा फिजिकली इनऑर्गेनिक में हम लोग मॉलिकुलर फॉर्मूले से काम चला लेते हैं। और बहुत ज़्यादा सिंपल कनेक्टिविटी वाला जो लुईस स्ट्रक्चर है या फिर जो बॉन्ड स्ट्रक्चर है उससे ही काम चलाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसके अंदर स्ट्रक्चरल फॉर्मूले के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स डिस्कस करते हैं हम लोग। पहला जो है, जो कि बहुत नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं आए अभी तक, इसको बोलते हैं एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इसको क्या बोलते हैं? एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। एक्सपेंडेड का मतलब जिसमें हर एक एटम को एक्सपेंड करके दिखाया गया है, जैसे C4H10, तो हर एक एटम को एक्सपेंड करके दिखाना है। हर एक एटम को वैलेंसी कार्बन की चार होती है, चार कार्बन लगा लो पहले, ऐसे चार कार्बन एक लाइन में लगा लिए, अब इनकी वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी करती चलो, इस वाले कार्बन की तीन वैलेंसी फ्री है अभी, इसको बोलेंगे एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। क्योंकि हर एक बॉन्ड को, हर एक कनेक्शन को मैंने एक्सपेंड करके दिखाया है। अगर इसमें गिनोगे तो 10 हाइड्रोजन है और चार क्या है इसके अंदर हमारे पास कार्बन एटम से, तो दिस इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। दूसरा जो है, ध्यान से लिखो, जो भी बीच में कुछ बच्चे डिस्कनेक्ट हो गए हैं, क्या हो रहा है गाइस? मैं ऊपर लिखता हूँ नीचे लिखता है, ये कोई बात नहीं, अच्छा सुधार दूंगा इसको। कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। कंडेंस्ड का मतलब होता है जिसको कंडेंस कर दिया गया हो, जिसके अंदर कनेक्टिविटी को छुपा दिया गया हो, एक साथ एक ही पोजीशन पे जिनमें जो है कंसंट्रेट किया है, एक जगह पे लाया है, तो इस तीनों को अगर मिलाएं। कंडेंसेशन में क्या करते हैं हम लोग, सबसे बड़ी बात है कि ये जो पूरा एक तुमको हाइड्रोजन का ये मेला दिख रहा है, ये जो सराउंडिंग में हाइड्रोजन इसके साथ कनेक्ट है, इसको एक साथ लिख लेते हैं। तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको भी कंडेंस कर दें और कंडेंस्ड कर दें तो ये सारे के सारे कंडेंस फॉर्मूलाज हैं। ये एक्सपेंडेड है और ये फुल्ली कंडेंस्ड है। देखो सब छुपा दिए मैंने, सिर्फ लाइन से लिख दिया, तुम्हें इसको दिमाग में बसा लेना है कि ये एक्चुअल में ऐसे अलग अलग नहीं है, ये कनेक्टेड है, लेकिन हमने उसको कंडेंस्ड फॉर्म में लिखा है। इसमें तीन हाइड्रोजन है, इसमें दो हाइड्रोजन है, इसमें दो है,
इसमें तीन है ऐसे। तो ये तरीका याद रखना है ऐसे लिखने का, दिस इज कॉल्ड कंडेंस फॉर्मूला। और ये जो लिखा है ये, दिस वन इज द एक्सपैंडेड फॉर्मूला। नाउ गाइस, दिस वन इज ऑल्सो यूज समटाइम्स, ये भी कंडेंस फॉर्मूले का एक टाइप होता है। इसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड्स तो दिखा दिए फॉर अवर कन्वीनियंस, लेकिन हाइड्रोजन को एक साथ लिख दिया कि ये हाइड्रोजन कार्बन से कनेक्टेड है। बहुत अच्छे। नंबर तीसरा है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, सुनो, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूले का मतलब क्या होता है कि अब हम कार्बन एटम को एक पॉइंट मान के उसको हम लोग वेजेस के फॉर्म में, एक जिगजैग लाइन के फॉर्म में दिखाएंगे ऐसे। अगर मैं जिगजैग लाइन दिखा रहा हूँ एक, तो इसके अंदर जितने भी ये यहाँ पे देख रहे हो एंड्स हैं, ये एंड, ये भी, और यहाँ पे जितने शार्प कॉर्नर्स आ रहे हैं ये वाले, ये सारे कार्बन एटम्स होंगे। जैसे C4H10 लिखना है तो हमें यहां से स्टार्ट किया मैंने, दो कार्बन एटम हुए, तीसरा आगे बढ़ाया, चौथा। इसमें कितने कार्बन एटम है, 1 2 3 4। तो दिस इज कॉल्ड बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। इसमें याद रखेंगे एंड्स एंड शार्प कॉर्नर्स, या शार्प एंड्स जो हैं ऐसे कह सकते हैं, डिनोट्स दी कार्बन एटम्स एंड हाइड्रोजन एटम्स आर हिडन। सिर्फ हाइड्रोजन एटम्स को हम लोग हाइड कर सकते हैं, मतलब बिल्कुल भी नहीं दिखाएंगे, और कॉर्नर्स जो है वो क्या है, और ये जो लाइन है ये बॉन्ड को दिखा रही है। मतलब अगर कोई बोले इसको ओपन करो सर, देन अगर डबल बॉन्ड है तो उसको हम लोग डबल बॉन्ड से रिप्रेजेंट करेंगे। अभी दिखा रहा हूँ, जैसे ये हमारा एटम है तो इसको हमने कार्बन लिख लिया, फिर सिंगल बॉन्ड कार्बन, फिर सिंगल बॉन्ड कार्बन, फिर सिंगल बॉन्ड, लाइक दिस। अब इसके पास हाइड्रोजन कितने लगाने हैं, तीन, क्योंकि वैलेंसी इसकी चार होती है, दो ही कंप्लीट हो रही है। दीज लाइंस आर एक्चुअली बॉन्ड्स, दीज सॉलिड लाइंस आर बॉन्ड्स, ऑल दीज सॉलिड लाइंस आर एक्चुअली बॉन्ड्स। दिस इज द C4H10 एंड दिस इज अवर एक्सपेंडेड फॉर्मूला एंड दिस इज अवर बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। वेरी इंपॉर्टेंट बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये। अब कोई बच्चा कह रहा है कि सर आप इसको दिखाइए, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको सर आप दिखाइए कंडेंस्ड फॉर्मूले के फॉर्म में या बॉन्ड लाइन। तो बॉन्ड लाइन में क्या होगा, ऐसे होगा और ऐसे होगा, दो ही कार्बन है ये, फिर यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, ये हमारा क्या हो गया, CH ट्रिपल बॉन्ड CL का बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। ठीक है, फिर कोई बच्चा बोलता है कि सर आप इसको दिखाने की कोशिश कीजिए, कैसे दिखाएंगे, तो बोलेंगे देखिए कितने कार्बन है, इसमें कार्बन कितने हैं उसको मैं जो है रोमन नंबर से दिखा रहा हूँ, 1 2 3 4 कार्बन एटम्स हैं। नंबरिंग नहीं हो रही है, सिर्फ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स गिनने, नंबरिंग जो है वो रूल अलग आगे आएगा, हम कम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स गिनने। तो चार हैं, तो चार बताने के लिए एक हम ऐसे किया, दो तीन चार, पहले कार्बन दूसरे कार्बन के बीच डबल बॉन्ड लगा है तो यहाँ डबल बॉन्ड लगा देना है, सारे सिंगल है तो छोड़ देना है। समझ में आया गाइस, बोलो सबको समझ में आ रहा है। यस सर। अगर कोई बोलता है कि सर एक डबल बॉन्ड भी है और फिर एक ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो बोलो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे हाइड्रोजन भी नहीं दिखा सकते, दिस इज ऑल्सो द मैटर। अब सर बोलोगे कि इसमें हाइड्रोजन कहाँ है, तो वो छुपे हुए हैं, इनको छुपा के ऐसे रख सकते हैं। इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला कैसा आएगा, चार कार्बन एटम है, 1 2 3 4, है ना, ऐसे दिखा सकते हो, या चूंकि इसके अंदर जो है चार ही कार्बन एटम है तो यहीं तक है बस। हाँ ठीक है, तो ऐसे एंगल की कोई जरूरत नहीं है। बाकी एक्चुअल केमिस्ट्री में जाओगे तो जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होगा वहां पे sp हाइब्रिडाइजेशन होगा और लीनियरली दिखाना चाहिए, बट ऐसा जरूरी नहीं है। हम लोग बॉन्ड लाइन फॉर्मूले में विदाउट एंगल्स अपनी कन्वीनियंस से दिखा देते हैं, पहले में डबल बॉन्ड आएगा, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर ट्रिपल बॉन्ड है। यू कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस, दिस इज द बॉन्ड लाइन फॉर्मूला ऑफ अबव कंपाउंड। आप बोलेंगे सर इसमें आपने हाइड्रोजन नहीं दिखाई, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हाइड्रोजन छुपे हुए हैं। इफ यू वांट टू शो देन वैलेंसी के हिसाब से दिखा सकते हो। इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन आएंगे बताओ, इस वाले पे हाउ मेनी। सर जीरो सारी वैलेंसी सेटिस्फाई होगी। हाँ, इसकी चार और वैलेंसी, ये ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड सेटिस्फाई, इस पे कुछ भी नहीं आएगा।
लाइक दिस। अगर पूछता है कि सर इसका जो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालो, कार्बन ऐड कर लो 1 2 3 4 C4, 1 2 3 4 H4, ये आएगा लाइक दिस। ओके, आराम से पढ़ो, किसी को नहीं समझ में आता है तो मुझे बताएगा। थोड़ी स्पीड से पढ़ेंगे ये चैप्टर, बिकॉज ये इजी चैप्टर है और ये चैप्टर कॉन्सेप्चुअल नहीं है ज़्यादा, लाइक केमिकल बॉन्डिंग जिसको मैंने बहुत आसानी से धीरे धीरे पढ़ाया, बिकॉज केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर लाइफ में कभी भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा अगर केमिस्ट्री या फिजिक्स पढ़ोगे। फिजिक्स में तो ऐसी कोई नीड नहीं है, बट केमिकल बॉन्डिंग का यूज बहुत ज्यादा आएगा। जैसे तुमने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो बेसिक था, वैसे ही नॉमेनक्लेचर इज नॉट एक्चुअली बेसिक चैप्टर, इट्स अ ग्रामर, रूल्स है, रूल बुक है ये, नाम याद रखने की। सब लिखो, जल्दी से लिखो। हाँ, अगर हाइड्रोजन की जगह पे कोई और एटम हुआ तो उसको मेंशन करना होता है। मान लो हमारे पास ये एटम है सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है, ऐसे लगा हुआ है, यहाँ एच है, यहाँ सी एच एच सी एच एच एच, तो ये हमारा कैसा फॉर्मूला, एक्सपेंडेड। अब बोल रहा है इसको पहले तो कंडेंस्ड फॉर्म में लिखो। कंडेंस्ड फॉर्म में लिखने का तरीका है सी एच डबल बॉन्ड ओ सी एच टू सी एच थ्री, या CHO, इसको पूरा एक साथ लिखते हैं CHO CH2 CH3, ऐसे ना लिख करके घुमा के लिखते हैं CH3 CH2 CHO, ये एक्चुअल में ये फॉर्मूला बनता है। तो ये जो राइट साइड में हम लोग फंक्शनल ग्रुप लिखते हैं जिसमें ऑक्सीजन कंटेनिंग है या सल्फर कंटेनिंग है, तो ये प्रैक्टिस से तुम्हें आएगा। लेकिन अगर इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बनाना है तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पे ही ध्यान केंद्रित करना है, उसके ही सोचना है। 1 2 3, तीन कार्बन एटम्स हैं, तो कार्बन एटम्स जो तीन लगे हुए हैं इसके अंदर अगर मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पे तो सारे सिंगल बॉन्ड है, बट यहाँ पे क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड। यहाँ पे सी पे क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड। इसको दिखाने के लिए यहाँ पे हम लोग डबल बॉन्ड वो लगा देंगे ऐसे, ठीक है। या तुम ऐसे कर सकते हो कि यहाँ पे जो कार्बन है इसको दिखा दो और यहाँ डबल बॉन्ड वो लगा दो, कोई इसमें गलत बात नहीं है। अलग अलग तरीके से, जैसे अगर कोई इस तरीके का कार्बन है तो यहाँ डबल बॉन्ड लगा दो ऐसे, ये कार्बन एटम्स होते हैं, हम उसके ऊपर डबल बॉन्ड लगा सकते हैं लाइक दिस ना। फिर आगे चले गए, समझ रहे हो कि नहीं। मान लो ओ एच ग्रुप लगा हुआ है, ओ एच लगा दिए, तो जब कोई ग्रुप लगता है जहां पे कनेक्शन लॉस्ट होता है, जैसे लाइन जा रही थी लॉस्ट है, डबल बॉन्ड आया, यहाँ पे भी एक कार्बन एटम होता है, लेकिन जैसे कि ये डबल बॉन्ड खत्म हुआ कोई दूसरा एटम आया तो यहाँ कार्बन नहीं, यहाँ पे वो डायरेक्ट एटम जुड़ा हुआ है। जैसे अगर मैंने ऐसे लिखा तो बताओ इसमें कितने कार्बन एटम्स हैं, हाउ मेनी कार्बन एटम्स इन दिस कंपाउंड, इन दिस वन, बोलो नंबर ऑफ फोर कार्बन, जल्दी दिमाग लगा के बताओ। देखो इसमें कार्बन एटम्स हैं 1 2 3, खत्म, ये नहीं है, दिस इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू दिस कंपाउंड, समझ में आया। ओ अगर लगा है ओ तो वो डायरेक्टली कार्बन से कनेक्टेड है, यहाँ पे क्यों सी आया, क्योंकि ये बीच में क्या है, गैप है ना, ये जब गैप आएगा तो कार्बन एटम होगा, अगर गैप नहीं है, अगर मैं ऐसे लिख देता यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड हटा के मैं ऐसे लिखता तो इसमें कार्बन एटम कितने हो जाते, कम, 1 2 3 हो जाते सिर्फ, ये फोर्थ वाला जो है ये भी हो जाता, पहले पांच थे अब कितने बचे, चार। लेकिन अगर अगर मैं इसमें पूछूं नीचे वाले में, ध्यान से देखना, सुनते जाना, अभी घबराना नहीं है, इसमें इसमें कितने कार्बन एटम से बताओ, नीचे वाले में हाउ मेनी, इसमें फोर है, इसमें कितने हैं नीचे वाले में, ध्यान से देखो 1 2 3 4 5, इसमें पांच कार्बन एटम, क्या डिफरेंस समझ में आ गया सबको।
जब कार्बन से कोई ग्रुप लगा हो SH NH, तो ये कार्बन एटम नहीं होता है, यहीं पे कार्बन एटम होता है। दिस इज होल ग्रुप, देयर इज नो, समझ गए, याद करना पड़ेगा। ये जो रूल है ना, जो रूल होते हैं, जो तरीका होता है, उसको याद करना पड़ता है गाइस। यहाँ पे कार्बन एटम ये नहीं है, ये OH लगा है, डायरेक्ट इससे अटैच्ड है ये, समझ गए हो। चलो इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला ट्राई करो बनाने का, इस दिस पर्टिकुलर चैप्टर यू हैव टू ट्राई मोर। इसका बॉन्ड लाइन बनाओ, बॉन्ड लाइन, ये बॉन्ड लाइन नहीं है, ये कंडेंस्ड है जिसके अंदर सिर्फ बॉन्ड दिखा रहे हैं। ये बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बोल सकते हो, हाँ है सर, यस इट इज बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, लेकिन ये लीनियर है। अगर बोला जाए ये इसको थोड़ा सा जिगजैग लाइन में बनाओ, तो बोलेंगे कि सर देखिए कार्बन गिन लेते हैं पहले, 1 2 और यहाँ पे 3, ये दोनों के पीछे एक होगा, दोनों ने जोड़ने हैं। यहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूटी होती है ना, डिसकॉन्टिन्यूटी इन बॉन्ड्स मीन्स अ कार्बन एटम आ गया बीच में, है ना। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6, कितने लोग को 6 कार्बन एटम्स दिख रहे हैं, एवरीवन, सबको दिख यस रहे हैं। अच्छा देखो, अब 6 कार्बन एटम दिखाना है ना तुम्हें, तो कैसे करना है, 1 2 उसके बाद 3 4 5, 1 2 3 4 5 एंड देन 6, 6 हो गए। अब देखो पहली पोजीशन पे इसको नंबरिंग कर सकते हो ऐसे, अभी के लिए, अभी इसलिए रोमन में करा रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअल नंबरिंग जो है वो नॉर्मल जो अपने लेटर्स होते हैं, इंग्लिश हिंदी जो भी समझो उसमें करेंगे, 1 2 3 4 5 6, ये है ना। तो देखो 1 एंड 2 के बीच तो सिंगल बॉन्ड है, 2 एंड 3 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, फिर 3 एंड 4 के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, मतलब सिंगल बॉन्ड है, 4 एंड 5 के बीच में डबल बॉन्ड है, ये दिस इज ऑल्सो। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं इसमें बताओ, बोलो, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं, अरे बोलो ना, इसमें क्या दिक्कत है, ये तो मैंने पढ़ाया है केमिकल बॉन्डिंग में भाई। हाइड्रोजन एटम्स, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, उसे बता सकते हैं। वेरी गुड निरंजन, और बताओ बच्चों। देखो जहां पे कार्बन ऐसे सिंगली लगा हुआ है, तो इसकी वैलेंसी एक ही पूरी हो रही है, मतलब 3 हाइड्रोजन एटम और है इसमें। यहाँ पे तो इसकी चारों वैलेंसी पूरी, यहाँ पे भी इसकी चारों पूरी, ट्रिपल बॉन्ड बीच में आया तो कोई भी हाइड्रोजन नहीं आता है यहाँ पे, बस उसको रटना नहीं है, समझ लेना है, एक बॉन्ड है, दो बॉन्ड है, तो इसमें एक हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पे फिर से 3 हाइड्रोजन आएंगे, तो टर्मिनल में 3 3 हाइड्रोजन, बीच में 2 हाइड्रोजन, टोटल हाइड्रोजन कितने हुए, 8, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स 8। बताओ एटम 1 का जो हाइब्रिडाइजेशन है क्या है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ, हाइब्रिडाइजेशन और एटम लिख रहा हूँ यहाँ पे, बताओ, ये उधर उधर भी लिख सकते हो कोई बात नहीं, राइट और लेफ्ट लिख दिया मैंने गलती से, कोई बात नहीं। एटम 1 का हाइब्रिडाइजेशन कितना है, एटम 1 का हाइब्रिडाइजेशन है sp3, क्यों, क्योंकि कितने सिग्मा बना रहा है, 4 सिग्मा, 1 2 3 4 सिग्मा, सबको दिख रहा है जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, 4 सिग्मा अगर ये कार्बन एटम बना रहा है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना आएगा, sp3। सेकेंड कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना आएगा, 1 सिग्मा 2 सिग्मा, sp आएगा। थर्ड कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना आएगा, कार्बन नंबर थर्ड का हाइब्रिडाइजेशन भी कितना आएगा, sp, यस आर नो। अरे यार लिखना बंद हो गया गाइस, रुको 1 मिनट, बहुत ज्यादा इसमें जो है कैच हो गया है, कैच जो होता है। ओके आंसर बताते रहो जना जन, sp, ठीक है ओके। नंबर चौथे वाले का कितना हाइब्रिडाइजेशन आएगा, बोलो, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, कितना आएगा, sp2। पांचवे वाला भी तो sp2 है ना, पांचवा लिखा ही नहीं मैंने, खत्म किया है, पांचवा आएगा sp2 गाइस। छठा क्या आएगा,
SP3। ओके, इतना समझ गए हो, कोई दिक्कत तो नहीं है। इस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या आएगा बताओ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं बताओगे क्या? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओगे क्या? C6H8। बहुत अच्छे, वेरी गुड। सबको समझ में आ रहा है भाई? कार्बन तो मैंने गिन के दिखाए तुमको और हाइड्रोजन तुमने बताया, तो फॉर्मूला C6H8 हो गया। नेक्स्ट आता है डिग्री ऑफ कार्बन एटम्स। डिग्री ऑफ कार्बन एटम्स, कार्बन एटम्स को डिफरेंशिएट करने के लिए उनको डिग्री इनकी लिखी जाती है। उनकी क्या लिखी जाती है? डिग्री। उनका एक ऑर्डर होता है, तो लिखेंगे डिग्री ऑफ कार्बन एटम को कैसे डिफाइन करते हैं। देखो, लिखेंगे डिग्री ऑफ कार्बन एटम इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन करते हैं? जितने भी उससे दूसरे कार्बन एटम जुड़े होंगे उसकी डिग्री उतनी ही होगी। मतलब मैं इसको पहले समझा देता हूँ, फिर लिखाता हूँ। पहले रुको, सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। अगर मेरे पास एक कार्बन एटम, एक कार्बन एटम से अटैच्ड है, सिर्फ सिंगल से, तो उसकी डिग्री वन होगी। अगर मेरे पास गिवन कार्बन एटम दो कार्बन एटम से, दूसरे दो अनदर टू कार्बन एटम से अटैच्ड है, तो उसकी डिग्री दो होगी। अगर मेरे जो कार्बन एटम है वो अनदर थ्री कार्बन एटम से अटैच्ड है, तो उसकी डिग्री थ्री होगी। अगर मेरे पास जो कार्बन एटम है वो अनदर फोर कार्बन एटम से अटैच्ड है, तो उसकी डिग्री फोर होगी। 1, 2, 3, 4 डिग्री पॉसिबल है सिर्फ, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी चार से ज्यादा नहीं होती। तो डिग्री ऑफ कार्बन एटम इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स विद विच द गिवन कार्बन एटम इज अटैच्ड या कनेक्टेड। गिवन कार्बन एटम इज कनेक्टेड या अटैच्ड, एनी वर्ड यू कैन चूज। मतलब मैं तुमको पहले समझा देता हूं इसका, मतलब मैं इसका समझाता हूं तुम्हें। पहले बताओ इस कार्बन एटम की डिग्री कितनी है, बोलो। 1 डिग्री, और इसकी भी कितनी है? 1 डिग्री, बिकॉज ये 1 से कनेक्टेड है और ये वाला भी 1 से कनेक्टेड है, दोनों की डिग्री 1-1 है। अगर मैंने लिखा ये 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 एंड ये एंड ये, तो बताओ इस वाले की डिग्री कितनी है? फर्स्ट वाले की 1 डिग्री, इस वाले की कितनी है? 2 डिग्री, इस वाले की कितनी है? दिस वन 4 डिग्री, इस वाले की कितनी है? 1 डिग्री, इस वाले की कितनी? 1 डिग्री, इस वाले की कौन बताएगा सर? 3 डिग्री। 3 डिग्री, इस वाले की 1 डिग्री, इस वाले की 1 डिग्री। कितने लोग को इस कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? अमन, आकाश, अखिलेश, एवरीवन? ओके, यस, यस देवांगी, ओके। मतलब सारे बच्चों ने आंसर दिए हैं लगभग, वेरी गुड। चलो, इतना तो तुम समझ गए हो, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट आता है डिग्री ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। हाइड्रोजन एटम की डिग्री क्या होती है? जिस कार्बन एटम से वो कनेक्टेड है उसकी डिग्री जो होगी वही हाइड्रोजन एटम की डिग्री भी हो जाएगी। लिखेंगे डिग्री ऑफ अ पर्टिकुलर हाइड्रोजन एटम इज डिफाइंड एज डिग्री ऑफ कार्बन एटम विद विच
the given hydrogen atom is connected. तो इसको विरासत में मिली है ये डिग्री, इसकी खुद की पहचान नहीं थी ये, बट कार्बन एटम के साथ ये कनेक्टेड है तो इसकी भी ये पहचान बनी, इसकी भी ये क्या बन गई, डिग्री बन गई। देखो सिंपल, अगर मैंने लिखा ये कार्बन, ये कार्बन, तो बताओ ये वाला कार्बन कितना डिग्री, वन डिग्री, तो ये हाइड्रोजन भी कितना डिग्री, वन डिग्री। कितने लोग को समझ में आया नंबर ऑफ वन डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, नंबर ऑफ वन डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं इसमें, सिक्स है। अच्छा वेरी गुड, ओके। अब देखना ध्यान से, वन डिग्री को प्राइमरी भी बोलते हैं, वन डिग्री कुछ भी हो, कार्बन हो या हाइड्रोजन हो, उसको फॉर एनी एटम, अगर वो वन डिग्री है, मतलब हमने तो यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन के लिए डिफाइन करना है, तो वन डिग्री का मतलब होता है प्राइमरी, टू डिग्री का मतलब होता है कहीं पे भी आए सेकेंडरी, 3 डिग्री का मतलब होता है टर्शरी, और 4 डिग्री का मतलब होता है क्वार्टरनरी। ठीक है, क्या समझ पाओगे, लिख लो इसको, कोई डाउट है तो बताओ। तो क्वार्टरनरी भी इसको सिर्फ लिखते हैं, ऐसे लिख सकते हैं क्वार्टरनरी, फोर डिग्री का मतलब क्वार्टरनरी, 1 डिग्री का मतलब प्राइमरी, 2 डिग्री का मतलब सेकेंडरी, 3 डिग्री का मतलब टर्शियरी। अभी भी समझ नहीं आया क्या, अब तो आ गया होगा। अच्छा चलो, अब आंसर क्वेश्चन का करो, अब तो बहुत तुमने पढ़ लिया आसान आसान, अब मैं सवाल देता हूं एक आसान सा, उसका आंसर भी होगा बहुत आसान। आंसर कैसा होगा, आसान ही होगा, बताओ। नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन, 4 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन, 3 डिग्री हाइड्रोजन, 4 डिग्री हाइड्रोजन, बोलो बोलो बोलो। दो तो हो सकती देवांगी, 4 नहीं हो सकती है, 2 डिग्री का कार्बन होता है ना उससे अटैच कर दो, 3 डिग्री का कार्बन होता है उससे अटैच कर दो, बट 4 डिग्री हाइड्रोजन नहीं हो सकता ना गाइस। अच्छा पेन बदल लू, कितने लोग ऐसा कह रहे हैं, ओके नो वन इज टेलिंग दिस। देखो ये कार्बन कितने डिग्री, 1 डिग्री, ये कार्बन कितना है, ऊपर नीचे देख लो, चारों तरफ तुम्हारी नजर रहनी चाहिए, जी बोलो अभी। 1 डिग्री कार्बन कितने हैं, टर्मिनल वाले सारे 1 डिग्री होते हैं, 3 और 2 5 होते हैं, तुमने 4 लिखे हैं, तुमने 5 ही लिखा निरंजन, वेरी गुड, चलो ठीक है। 2 डिग्री के कितने हैं, जल्दी जल्दी बताओ, 2 डिग्री कार्बन 3 हमें तो नहीं दिख रहे, 2 डिग्री कार्बन हमें 3 नहीं दिख रहे निरंजन, अमन को 2 दिख रहे हैं, मुझे भी तो 2 ही दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं, ओके गाइस जल्दी जल्दी बताओ, गलत नहीं होगा, तुमने लिखना है, मैं तो लिख दूंगा, यू हैव टू राइट। 3 डिग्री कार्बन कितने हो बताओ, 3 डिग्री कार्बन कितने, 3 है क्या, 1 है ना, 4 डिग्री कार्बन कितना है, 1। अब हाइड्रोजन पे आ जाओ, हाइड्रोजन पे आ जाओ, 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं,
तीन छ, तीन नौ और 3 12 एंड 3 15। डू यू नो 15 डिग्री? 15 डिग्री नहीं लिख देना, 15 नंबर लिखना। 15 डिग्री कितने लोगों ने लिखा है गलती से? ओके नो प्रॉब्लम। 2 डिग्री कितने लोग ने लिखा है नंबर्स? 4। देखो यहां पे देखो, 2 2 4, वेरी गुड। 3 डिग्री कितने जल्दी बताओ, फास्ट। 1। 4 डिग्री कितने बताओ जल्दी से? 4 डिग्री कार्बन अगर है मतलब उसके साथ कोई जुड़ने के लिए बचा ही नहीं है। हाइड्रोजन बोलेगा कि अब कहाँ टकराएंगे इससे, जगह खाली नहीं है। नो वैलेंसी फ्री, अब तो इसका काम हो गया खत्म। तो 4 डिग्री हाइड्रोजन ये इस दुनिया में नहीं आ पाया कभी। ओके इट विल नॉट एग्जिस्ट। और CH4 वाले को क्या बोलोगे भाई? व्हाट, इसका कोई नाम नहीं रखना है क्या? बोलेगा मेरा भी नाम रखो कुछ। चलो इसका नाम रखते हैं सुपर प्राइमरी कार्बन एटम। क्या नाम रखते हैं इसका? सुपर प्राइमरी कार्बन एटम, ऐसे ही नाम रख दिया। इसका कोई वैसे ज्यादा यूज है नहीं, नाम है बट इसका, इसका नाम रखा गया है सुपर प्राइमरी कार्बन एटम। वेरी वेरी गुड। IUPAC नॉमेनक्लेचर पे आ जाते हैं गाइस। देखो तुमको जो जरूरत की जरूरतमंद सामान सारा तुम्हारे साथ है, ऐसे समझना कि दिक्कत नहीं होगी तुम्हें कुछ। अब IUPAC नॉमेनक्लेचर में पढ़ाने जा रहा हूँ। IUPAC एक यूनियन है प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री की पूरे वर्ल्ड में, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये इसका रूल बनाती है किसको क्या बोलोगे, IUPAC डिसाइड करेगी, अपने मन मर्जी का कुछ नहीं बोलना है। नाउ सबसे इम्पॉर्टेंट है इसका फॉर्मूला, नाम लिखने का रूल क्या है। सबसे पहले रूट वर्ड आएगा, क्या आएगा? रूट वर्ड की एंट्री होती है। रूट वर्ड एंट्री करते ही बोलता है इज देयर एनी प्रेफिक्स। तो प्रेफिक्स वाले बोलते हैं हमारे पास 2 प्रेफिक्स हैं, तुम कौन सा चाहिए, प्राइमरी प्रेफिक्स चाहिए तुमको या तुम्हें चाहिए सेकेंडरी प्रेफिक्स? तो रूट वर्ड बोलता है जितने भी हैं उतने दे दो। फिर रूट वर्ड बोलेगा कि हमको चाहिए सफिक्स। क्या हमको चाहिए? सफिक्स, जैसे तुम्हारा नाम है तो तुम्हारा नाम ये है। अब एक क्या आएगा इसमें, फर्स्ट नेम का भी फर्स्ट आएगा, फिर एक लास्ट नेम आएगा और तुम बीच में बैठे हुए हो ऐसा। तो यही होता है, समझ रहे हो कि नहीं? कभी कभी नाम बहुत बड़ा होता है ना, धमाल में देखा था नाम, तो वैसा नाम भी दिखने को मिलता है नॉमेनक्लेचर में। तो फिर सेकेंडरी सफिक्स भी गाई जाएगा, वो बोलेगा कि हमको भी नहीं छोड़ोगे भी हैं। तो सबसे पहले जो आया है वो रूट वर्ड है। हाँ, देन है प्राइमरी प्रीफिक्स लगा दो, उसके पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स लगा दो, प्राइमरी सफिक्स लगा दो, सेकेंडरी सफिक्स लगा दो। अब रूट वर्ड जो है, ये रूट वर्ड कहाँ से आता है, इसको मैं हल्का हल्का यहीं पे समझा देता हूँ, हल्का हल्का, बाकी आगे तो पढ़ाऊंगा ही। रूट वर्ड का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ये डिसाइड करेगा रूट वर्ड को। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स विल डिसाइड द रूट वर्ड प्रेजेंट इन मेन चेन। जो हमारी मेन चेन होगी उस मेन चेन में कितने कार्बन एटम्स हैं। प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होगा, जो हमारी मेन चेन है वो साइक्लिक है और असाइक्लिक है।
सेकेंडरी प्रीफिक्स जो है वो हमारा क्या डिसाइड करेगा, सब्स्टिट्यूएंट जो लगा होगा। अब तुम्हें एक भी चीजें इसमें नहीं समझ में आएंगी अभी क्या है ये, बट अभी लिखना तो पड़ेगा ना, फिर आगे डिसाइड करेंगे इसका क्या, यहाँ से क्या आएगा। प्राइमरी जो सफिक्स होगा गाइस वो क्या होगा, प्राइमरी सफिक्स ये देगा कि कंपाउंड सेचुरेटेड है या अनसेचुरेटेड। कौन डिसाइड करेगा प्राइमरी सफिक्स को, कंपाउंड इज सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड, इट विल डिसाइड द प्राइमरी सफिक्स। और सेकेंडरी सफिक्स कौन डिसाइड करेगा, ये फंक्शनल ग्रुप डिसाइड करेगा। इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप थोड़ा सा बता देता हूँ क्या होता है। जैसे OH एल्कोहल, इसका कॉमन नेम एल्कोहल है, एल्कोहल इज अ फंक्शनल ग्रुप। FG फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं, एल्कोहल। COOH क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। दीज आर द कॉमन नेम्स जो हम लोग अपने घरेलू यूज करते हैं, सबको पता है एल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड, दीज आर द फंक्शनल ग्रुप्स। यस, CHO मतलब एल्डिहाइड, लाइक दिस आई विल एक्सप्लेन लेटर। बट अभी याद रखो कि ये सब यहाँ पे लगाने पड़ेंगे। तो रूट वर्ड आता है, इस जिसने इस लाइन को याद कर लिया ना उसका कोई भी सवाल गलत नहीं होगा IUPAC का। IUPAC डायरेक्ट सवाल नीट के पेपर में आते हैं, दो दो सवाल तक आते हैं, ऐसी बात है। और इसके अलावा क्या होता है कि IUPAC नाम लिखा होता है उस पर कुछ और सवाल पूछा जाता है। IUPAC नेम एक्चुअली इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार स्ट्रक्चर ना देके नाम दे देंगे और क्वेश्चन रहेगा कुछ और, लेकिन नाम ही नहीं आता है तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन कैसे आएगी तुम्हें। यू हैव टू नो द नेम्स। देखो पहले रूट वर्ड आएगा, देन उसके जस्ट पहले प्राइमरी प्रीफिक्स लगाएंगे, दैट विल कॉल मेन चेन। साइक्लिक है या असाइक्लिक है उसके बेसिस पे आएगा वो। तो रूट वर्ड हमारा एक ही होता है, साइक्लो। अगर मेन चेन साइक्लिक है तो साइक्लो लगाएंगे, अगर मेन चेन साइक्लिक नहीं है, ओपन है, तो कोई भी प्रीफिक्स यूज नहीं करते हैं। तो ये सारी चीजें तुम्हें एक्सप्लेन करेंगे हम आगे। अभी के लिए तुम्हें एक अपने माइंड में ऐसे आंखें बंद करके सोच लेना है, रूट वर्ड के आगे क्या लगा है प्राइमरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स के आगे क्या लगा है सेकेंडरी प्रीफिक्स, और रूट वर्ड के जस्ट पहले लगा है प्राइमरी सफिक्स, और प्राइमरी सफिक्स के और बाद लगा है सेकेंडरी सफिक्स। ऐसे याद करना है, आराम से याद करना है, समझना नहीं, याद करना है, ठीक है। याद करने में समझ सकते हो कि रूट वर्ड के इधर भी प्राइमरी, रूट वर्ड के इधर भी प्राइमरी, रूट वर्ड से दूर सेकेंडरी, रूट वर्ड से दूर सेकेंडरी, ऐसे याद करो, ठीक है। ऐसा ना करना यहाँ प्राइमरी लिखा है, यहाँ पे जो है सेकेंडरी लिख दो प्राइमरी, या यहाँ सेकेंडरी यहाँ प्राइमरी, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। एकदम करेक्ट याद करना जैसे बताया। ये हेल्प हो जाएगी तुम्हें याद करने में। चलो अच्छा आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, रूट वर्ड आ जाते हैं, सबसे पहले पकड़ते हैं रूट वर्ड। चलो भाई तुम आओ पहले नंबर पे, रूट वर्ड इनका काम होता है शुरू। ये क्या कहते हैं कि हम डिसाइड होंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स से। तो IUPAC ने बोला चलो ठीक है, एक दो होते तो हम लोग कुछ नॉर्मल नाम लिख लेते, लेकिन इतने ज्यादा ये लोग हैं इनको संभालना मुश्किल था, कार्बन एटम्स के नंबर पे ही उनका नाम लिख दिया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे लिख लो। करें नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर एक है तो रूट वर्ड आएगा मेथ। मेथ का मतलब मेथ होता है बस, और कुछ नहीं समझना। दूसरा जो होता है वो होता है एथ। हाँ, तीसरा जो होता है वो होता है प्रोप। तीन का ये इसके सामने लिखना है गाइस, बहुत बच्चे आगे पीछे कर देते हैं गाइस, उसमें से मैं भी हूँ। फिर ब्यूट आएगा, ब्यूट सीधे सीधे लिखना सामने सामने। फिर पांचवा लिखना गाइस पेंट, पेंट लिखाइए। सिक्स लिखना हेक्स, सेवेंथ लिखना हेप्ट, एट्थ लिखना ऑक्ट, नाइन्थ लिखना नोन, NONE, टेंथ लिखना डेक। तुम्हारी केमिस्ट्री तो यहीं पे खत्म हो जाएगी, डेक पे ही, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इतने में ही सब कुछ खत्म हो जाएगा, बस इसके ऊपर नहीं जाना है,
थोड़ा सा चलो बता देता हूँ, कभी कभी परेशान हो जाते हैं वो लोग, वो कुछ और भी पूछ लेते हैं। नहीं एग्जाम में आएगा तो बुकलेट वगैरह में आएगा। इलेवेंथ में क्या है, सिलेबस में तो सब है लेकिन पूछते नहीं है। अनडेक 20 तक होता है सिलेबस में। 12th होगा डोडेक, अनडेक डोडेक। 13 क्या होगा बोलो, क्या आना चाहिए तुम्हारे हिसाब से बोलो? ट्राई डेक आना चाहिए ना, अनडो ट्राई ऐसे हो रहा है ना। 14 में क्या आएगा, टेट्रा डेक, टेट्रा डेक। 15 में क्या आएगा, 15th में पेंटा डेक। 16th में क्या आएगा, हेक्सा डेक। 17th में क्या आएगा, हेप्टा डेक। 18th में क्या आएगा बोलो बोलो, ऑक्टा डेक। 20 में क्या आएगा बोलो बोलो बोलो, जल्दी बताओ, बहुत अजीब सर होता है। हाँ 19 वाला नॉन डेक था। नॉन जोड़ो, जल्दी से बताओ 19 का क्या आएगा। डोटेक हाँ डो डेक नहीं, आफ्टर डेक आया ना, आफ्टर डेक के बाद क्या आएगा, नोना डेक। नोना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नोना डेक। और 20 का हो जाएगा आई कोसा डेक। अजीब है ना, लेकिन ऐसे याद रखना, आई कोसा डेक होगा क्या। याद रख लेना, तुम जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है, ऐसे ही याद रखो। जल्दी नोट करें भाई, आगे बढ़ते हैं। आईकोस, सिर्फ आईकोस, आईकोस डेक वेक नहीं है इसमें, याद रखना। 20 का क्या है, आईकोस, मतलब 20 कार्बन की अगर एल्केन है, C20 और H42 है ना। एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2, कॉमन फॉर्मूला पढ़ा होगा क्लास 10th में, कॉमन फॉर्मूला या जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन, इसका नाम क्या आएगा, आइकोसेन। आइकोसेन तो फिर से सिखा देता हूं। डेक का मतलब होता है 10, 10 के आगे बढ़ेंगे अनडेक, डोडेक। अब इसने डोडेक 12 में ही ले लिया ना, तो 20 को डोडेक नहीं बोल सकते ना गाइस, समझ में आ रहा है कि नहीं। यस सर। हाँ ट्राई डेक, टेट्रा डेक, पेंटा डेक, हेक्सा डेक, हेप्टा डेक, ऑक्टा डेक, नोना डेक। अब रुक जाओ, अब आईकोस, आईकोस चलेगा अब। बस इतना याद रखो, इसके आगे जो है तुम्हें जरूरत नहीं है, इतना बहुत बता दिया। हमारे लिए जो काम है वो 8 तक है बस, 8 के ऊपर हमारे लिए कुछ काम का नहीं है। चलो बोल रहे हो तुम लोग तो थोड़ा बता ही देता हूँ। अच्छा तो एक कार्बन एल्केन का जो कॉमन फॉर्मूला वो क्या है, जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन्स, CnH2n क्या होता है, प्लस टू, याद रखना। एल्कीन्स का क्या होता है, CnH2n। एल्काइन्स का क्या होता है, CnH2n-2। ये अलग से बता रहा हूँ, बीच में अगर आ गया तो इसे याद रखना है, ये रखना पड़ेगा तुम्हें, ऐसा फॉर्मूला आता है। क्यों आता है, क्यों नहीं आता है, सब पता चलेगा आगे, अभी के लिए याद रख लो। ये 10th क्लास में होता है, सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ। CnH2n+2, CnH2n, CnH2n-2, इतना तुम्हें आना चाहिए अगर क्लास 10th पास किया है। अब आगे बढ़े, अब वापस आ जाओ, वर्ड रूट आ चुके हैं हमारे, हमारे वर्ड रूट आ चुके हैं। अब हमारे आते हैं सब्स्टिट्यूएंट, हमारे पास क्या आता है, सब्स्टिट्यूएंट। अगर सब्स्टिट्यूएंट
कोई अल्काइल ग्रुप है जैसे कि CH3, तो इसका नाम होगा एल्क। एल्क मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम से आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा मेथ आइल। ऐसे ही अगर आ गया दो कार्बन का कोई एल्क है, इसका नाम होगा एथ आइल। अगर तीन कार्बन का कोई है, इसका नाम होगा प्रो आइल। ठीक है, ध्यान रखना। ऐसे ही अगर ये पहला है, अगर कोई हाइड्रोकार्बन, आर सी का मतलब होता है कोई हाइड्रोकार्बन यहाँ पे लगा हुआ है, अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है एक्चुअली, तो सैचुरेटेड अल्काइल ग्रुप जैसे CH3 C2H5, उनका नाम होगा अल्काइल। नेम क्या आएगा? अल्काइल। तो अगर एक कार्बन का है तो मिथाइल, दो कार्बन का है तो इथाइल, तीन कार्बन का है तो प्रोपाइल। सब्स्टिट्यूएंट जो है वो याद रखना है। दूसरा सब्स्टिट्यूएंट देखो, अगर NO2 है, कहीं पे NO2 ग्रुप लगा हुआ है, कार्बन के साथ NO2 जुड़ा हुआ है, इसका नाम क्या रखेंगे वो तुमको सिखा रहा हूँ। इसका नाम आएगा नाइट्रो। नाम याद रखना है, नेम आएगा नाइट्रो, सब्स्टिट्यूएंट में आएगा ये। अगर OR लिखा है कहीं पे, इसका नाम आएगा एलॉक्सी। चौथा जो है, ये सब दोबारा आएगा, थोड़ा सा अभी पढ़ लो, फिर से अगेन रिपीट करेंगे कहीं पे इसको। स्टार्टिंग में थोड़ा बता रहा हूँ। एक्स का मतलब हेलोजन्स है, तो हेलो। फॉर एग्जाम्पल, अगर Br लिखा है तो ब्रोमो है ना, अगर Cl लिखा है तो क्लोरो, अगर F लिखा है तो फ्लोरो। क्या याद रख पाओगे? ये सब्स्टिट्यूएंट आएंगे। क्या आएंगे? ये सब्स्टिट्यूएंट। याद हो गया? ये सेकेंडरी प्रीफिक्स के अंदर आते हैं। किसमें आते हैं? ये सेकेंडरी प्रीफिक्स। सब्स्टिट्यूएंट किसमें आते हैं? ऊपर जो फॉर्मूला लिखा है उसमें जाकर देख लेना। सब्स्टिट्यूएंट किसमें आते हैं? सेकेंडरी प्रीफिक्स में। फिर हमारे पास आता है प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स जो होता है वो सिर्फ एक होता है, साइक्लो। ओनली वन प्राइमरी प्रीफिक्स, उसका नाम क्या होता है? साइक्लो। कब यूज करते हैं? इफ मेन चेन, जो हमारी मेन चेन होगी, क्या मेन चेन होती है आगे चल के पता चल जाएगा, अभी रूल तो लिखना ही पड़ेगा। इफ मेन चेन इज साइक्लिक, देन नो प्राइमरी प्रेफिक्स इज यूज, देन नो प्राइमरी प्रेफिक्स इज यूज। कोई प्राइमरी प्रेफिक्स यूज नहीं करना है। इफ मेन चेन इज साइक्लिक, अगर वो रिंग फॉर्म में है, साइकिल के फॉर्म में, देन साइक्लो, ये वर्ड साइक्लो इज यूज्ड एज। सारे नोट्स बनने चाहिए अच्छे से, तभी तो रिवाइज कर पाओगे जब एग्जाम आएगा। एग्जाम की तैयारी अभी से शुरू कर दो, ठीक है? सिर्फ पढ़ना नहीं है। ऐसे मान के चलो कि तुमको एग्जाम देना है एक दिन, उस तरीके से पढ़ाई करो। इफ कंपाउंड इज सैचुरेटेड, तो बताओ सफिक्स क्या आएगा? अभी बोला था प्राइमरी जो सफिक्स होता है गाइस, वो किससे डिसाइड करते हैं? कंपाउंड इज सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, तो उस पे आ गए अब, रूट वर्ड के राइट साइड वाली चीज पे। इफ कंपाउंड इज सैचुरेटेड, देन एन एन वर्ड यूज करेंगे, एन मेन चेन के लिए यूज करेंगे। मेन चेन जो होगी कार्बन, उसके लिए यूज करते हैं। रूट वर्ड तो मेन चेन के लिए होता है, तो जो प्राइमरी सफिक्स लगाएंगे वो भी तो इसके लिए लगाएंगे। ये पहला पॉइंट है। इफ कंपाउंड इज सैचुरेटेड, इफ इफ मेन चेन मतलब ऑल सिंगल बॉन्ड होंगे। क्या होंगे इसके अंदर? मेन चेन में ऑल सिंगल बॉन्ड होंगे, ऑल सिंगल बॉन्ड्स इन मेन चेन। मेन चेन मतलब वो कार्बन वाले एटम्स जिनको हमें मेन चेन में लेना है, प्राइमरी चेन बनानी है। इफ मेन चेन कंटेन्स डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एटम, किसके
किसी और के नहीं. देन इन इज यूज्ड एज, सारे नाम तो एक बार लिख लो और सब समझा देंगे आगे चल के आप अभी 10 मिनट बाद. लिखो तो पहले सही. इन, वेरी गुड. अच्छा पहले से पता था तुम्हें, बहुत अच्छे. इफ मेन चेन कंटेन्स ट्रिपल बॉन्ड, देन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है ना, कार्बन कार्बन के बीच, देन क्या यूज करें बताओ. आइन वर्ड इज यूज एज प्राइमरी सफिक्स. देखो ये स्टाइल जो है अजीब है इसमें, लेकिन समझ जाना क्या लिखा है. प्राइमरी सफिक्स लिखा है, ये प्राइमरी लिखा हुआ है, यहाँ जो लिखा है वो नीचे लिखा है. अच्छा चलो, ये तो एक मोटा मोटी ओवरव्यू है, ये दिस इज कॉल्ड ओवरव्यू, दैट इज ये प्रोफार्मा है, इसके अंदर सामान भरना बाकी है अभी, है ना. ये तुम्हें एक मॉडल टाइप का बताया गया, ये मॉडल है, इस मॉडल से हमें जो है एक नाम तैयार करना है, जेनेसिस ऑफ नॉम, नेम की जेनेसिस करनी है. चलो आज स्टार्ट करते हैं, ठीक है. प्राइमरी सफिक्स रख लिया, सेकेंडरी सफिक्स जो है वो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, उनकी बात अभी करेंगे. नहीं वो भी आएंगे, नहीं आएंगे तुम देख लेंगे, तो लिख भी देता हूँ. चलो अभी बचा हुआ है सेकेंडरी सफिक्स, तो इसमें क्या आएंगे, फंक्शनल ग्रुप्स, अभी आगे बता चुका हूँ. फॉर एग्जाम्पल सी एच ओ, सी ओ एच, है ना, ओ एच एक्सेट्रा, इनके नाम लिखना सिखाएंगे आगे. इतना लिख के छोड़ दो. अब हमारा जो मेन काम आज का है, जो हमारा मेन टास्क है आज का, वो है हाइड्रोकार्बन्स के नाम लिखना. नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स. हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं कोई बताएगा? सर कंपाउंड कंटेनिंग ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन. यस वेरी गुड, कंपाउंड कंटेनिंग ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन, उसमें दूसरा कुछ होना ही नहीं चाहिए, कार्बन और हाइड्रोजन, नाम से पता चल रहा है हाइड्रोकार्बन, बस कुछ नहीं होगा उसमें. वेरी गुड. तो पहला रूल क्या है इसका, रूल है इसके अंदर, रूल्स, देयर आर रूल्स, यू हैव टू फॉलो ऑल द रूल्स. पहला जो रूल है बहुत आसान है, रूल सारे. फर्स्ट रूल इज सेलेक्शन ऑफ मेन चेन, दैट इज पेरेंट चेन. उसको मेन चेन को क्या बोलते हैं, पेरेंट, प्रमुख चेन, मेन चेन, पेरेंट चेन. इसके अंदर पहला रूल जो है वो क्या है, रूल नंबर ए, इसके अंदर क्या लिखेंगे, पहला जो प्रियोरिटी वाइज रूल है, प्रियोरिटी वाइज इट शुड बी लॉन्गेस्ट, यस, चेन विद मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. तो ये हम वर्ड यूज करते हैं, क्या क्या लाइन यूज करते हैं, चेन विद मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इज सेलेक्टेड. जो लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन होगी उसको ही मेन चेन मानेंगे. इसके अंदर बी ऑप्शन आता है, बी रूल आता है. अगर मुझे दो चेन ऐसी मिल रही हैं जो कि समान कार्बन रखती हैं, सेम नंबर ऑफ कार्बन रखती हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर सेम, सेम के बाद लिखेंगे इन मोर देन वन चेन या इन मोर देन वन लॉन्गेस्ट चेन. मतलब हमने लंबी लंबी चेनें ढूंढी लेकिन दो एक जैसी मिल गई, चार चार कार्बन की दो मिल गई, बाकी सब तीन दो कार्बन की थी, कोई बात नहीं, लॉन्गेस्ट वाली मिल गई हमें चार चार कार्बन की दो. फॉर एग्जाम्पल मीन्स वी आर हैविंग लॉन्गेस्ट चेन मोर देन वन. चलो अभी तक तो सही है, तो क्या करना पड़ेगा, देन मोर सब्स्टिट्यूटेड, जिसमें ज्यादा ब्रांचे होंगी वो चुनेंगे, देन मोर सब्स्टिट्यूटेड लॉन्गेस्ट चेन विल बी पेरेंट चेन. क्या कोई डाउट, जिसमें ज्यादा
और लेस नंबर वाला लास्ट में इसके बाद आएगा, नंबरिंग वाला इसके बाद रूल आएगा। अभी तक क्या हुआ है, अभी इसको मैं एग्जांपल समझाऊंगा गाइस, कोई दिक्कत की बात है नहीं, सब समझाएंगे। सबसे पहले रूल लिखा करो, इफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर सेम इन मोर देन वन लॉन्गेस्ट चेन देन मोर सब्स्टिट्यूटेड चेन विल बी पेरेंट चेन। अब तीसरा आ जाता है, अगर साइड चेन भी सेम हो, मोर सब्स्टिट्यूट का मतलब जो ब्रांच हो, ब्रांच का मतलब जो मेन चेन से जुड़ी हुई शाखाएं हैं, ब्रांच होता है। हाँ, वो नंबरिंग वाला रूल तो आगे आएगा, अभी उसमें दिमाग नहीं लगाओ, ये तो कंफ्यूज हो जाओगे। इफ नंबर ऑफ साइड चेन्स आर ऑल्सो सेम, मतलब बी ऑप्शन भी पॉइंट ऑफ डिफरेंस नहीं आया, then that will be the main chain। अभी तक दोनों ए बी दोनों सेम है दोनों के लिए, which is having substituent at lower number, जिसका नंबरिंग के टाइम पे सब्स्टिट्यूएंट लोअर नंबर पे आएगा उसको मेन चेन लेंगे। अच्छा, आईसीएससी क्लास 10 में ही रूल दे दिया थे सारे, वाह क्या बात है, कोई बात नहीं, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको आराम से पढ़ने को मिल जाएगा, नो प्रॉब्लम, जिन्होंने पढ़ा है उनका रिवीजन हो जाएगा, है ना। चलो अच्छा, सही बात है। इफ नंबर ऑफ साइड चेन्स आर ऑल्सो सेम देन दैट विल बी द मेन चेन which is having substituent at lowest number। क्या ये बात समझ में आई? ये तो रूल हो गए पेरेंट चेन चुनने के, अब नंबरिंग कैसे करते हैं देख लो। अभी मैं रूल लिखवाऊंगा, अभी ऐसा ना समझना कि सब कुछ बस तुम्हें सुनना है, दिमाग लगाना नहीं है, रूल याद करते चलो मेरे साथ में। नंबरिंग के लिए पहला रूल क्या है, नंबरिंग इज done from that end या that side of parent chain जिसके अंदर क्या होगा, having its substituent at lower number, जिसमें substituent कहाँ पे होंगे, lower number पे होंगे। इसको इस रूल को क्या बोलते हैं, लोवेस्ट लोकेंट, लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल। मतलब नंबरिंग करते टाइम पे हमें उस कार्बन को कम नंबर देना है जिसमें सब्सिक्वेंट कम नंबर पे आए, लेस नंबर पे आए, दिस इज द रूल नंबर वन। अभी इसको देखो कैसे एग्जांपल समझेंगे, फिर लिखेंगे। अगर पोजीशन मान लो सेम होंगे, पहला रूल मान लो सेम हो गया दो चीजों के लिए, इफ सब्स्टिट्यूएंट्स आर आल्सो फ्रॉम बोथ द साइड द बोथ द एंड्स ऑफ पेरेंट चेन, सेम अगर पोजीशन पे आ रहा है दोनों साइड से, आल्सो सेम लिखो यहां पे, सेम फ्रॉम बोथ द एंड्स ऑफ पेरेंट चेन, देन नंबरिंग इज डन, किससे करेंगे, यूजिंग अल्फाबेटाइजेशन या अल्फाबेटिक ऑर्डर में करेंगे। अरे इसके सब एग्जांपल लेके सिखाऊंगा, अभी देखते रहना, एक बार में ही पूरा रूल समझ में आ जाएगा जितने लिखेंगे। कई बार ऐसा होगा अल्फाबेट भी सेम हो गए, अब क्या करो भाई, अब क्या करोगे, if alphabets are also same then kya karoge bhaiya, then numbering is done from that side of chain, us taraf se hum log numbering karenge jisme substituent ka substituent kam number pe ho, jisme jo branch ho uski bhi branch jo hai wo kam number pe ho, that side of parent लिखो यहाँ पे, parent chain having its
substituent of substituent having its substituent of substituent at lowest number. बोलो जोर से बोलो, समझ में आया? If alphabets are also same, then numbering is done from the side of the parent chain, having its substituent of substituent at lowest number. अरे कुछ इसमें दिक्कत ही नहीं है, अभी देखते हैं, समझा देता हूँ। अभी देखो एक तरीका। ऊपर वो numbering का lowest set of क्या लिखा था वो समझा नहीं। Lowest set of locant, पहला point। हाँ ये locant ठीक है। Lowest set है, set, lowest set of locant rule. मतलब इसमें क्या होता है, आप नंबरिंग करनी होती है, मान लो पेरेंट चेन हमारी ले ली तुमने कोई ये वाली, अब इसमें यहाँ पे ब्रोमीन लगा है तो हम इधर से नंबरिंग करें या इधर से, बताओ किधर से करोगे, लेफ्ट की राइट? ये सब्सटेंट है, कार्बन नहीं, नहीं सब्सटेंट है, ब्रोमीन सब्सटेंट में आएगा, तो उधर से करेंगे जिधर से सब्सटेंट कम नंबर पे आए, इधर से करेंगे तो कितना गिनेंगे, एक दो तीन चार, तो दूसरे पे आया, इधर से करेंगे एक दो तीन चार, तीसरे पे आया, इधर से नहीं करेंगे इधर से करेंगे, समझ में आया? वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं, अब तुमको मैं डायरेक्ट सवाल देता हूँ तब तुम समझ पाओगे, रूल तो ऐसे बहुत है, रूल याद नहीं करते हैं कोई, रूल प्रैक्टिस से याद हो जाते हैं गाइस। थर्ड रूल दिखाइए, थर्ड रूल क्या लिखा है, इफ अल्फाबेट्स आर आल्सो सेम, अगर अल्फाबेट भी सेम हो जाए बाई चांस तो हम नंबरिंग उधर से करेंगे, इसको लिख लो पहले, इसको समझने के लिए थोड़ा एग्जांपल लेना पड़ेगा, उस साइड से करेंगे जिसमें सब्स्टिट्यूएंट का सब्स्टिट्यूएंट कम नंबर पे हो। इस चीज को कैसे समझेंगे अभी जस्ट थोड़ी ही देर में तुम्हें पता चलने वाला है, बट राइट नाउ वी आर जस्ट डूइंग द सेलेक्शन प्रोसेस, प्री सेलेक्शन प्रोसेस, थ्री पार्ट को लिखा है, सी पार्ट क्या होता है, यही तो सी मतलब, अरे ये वाला सी ठीक है, ये भी सी है, ये भी ठीक है सी पार्ट, इफ नंबर ऑफ साइड चेन्स आर आल्सो सेम देन दैट विल बी द मेन चेन व्हिच इज हैविंग सब्सटेंडेड लोकेशन। अमन किधर खेलने गए थे? देखो कितना आसान चैप्टर है, समझ रहे हो कि नहीं? सी 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 सी, बताओ विच वन इज द लॉन्गेस्ट चेन, लेफ्ट राइट अप डाउन, व्हाट, कौन सी लॉन्गेस्ट चेन है, दिस वन, मिडिल वन, दिस वन, यस सर मिडिल वाली लंबी, ओके की ये वाली, विच वन, विच वन, यस दोनों सेम है गाइस। देखो अगर मैं बोलूं कि आप इधर से आइए, आप बोलोगे एक दो तीन चार पांच कार्बन, वन टू थ्री फोर फाइव कार्बन, तो बोलोगे सर पांच कार्बन इसमें मिल रहे हैं, दूसरा बच्चा बोलेगा कि हम ऐसे नहीं आएंगे, हम तो ऐसे जाएंगे, बोलोगे जाओ तो पांच कार्बन तो उसको भी मिलेंगे, फिर बोलोगे कि सर इसमें क्या चीज़ कुछ कमी है क्या, कुछ डिफरेंस, नो डिफरेंस, बिकॉज जब इससे जाते हो तो दूसरे नंबर पे ये पड़ता है चेन, और फिर वन टू थ्री फोर, फोर पे पड़ती है ये साइड वाली चेन, पांच तक जाते हो अगर, और अगर हम लोग सामने से आएंगे, अगर हम लोग स्ट्रेट वाली चेन लेंगे जो कि नॉर्मली टेंडेंसी है बच्चों की लेने की, वन टू थ्री फोर फाइव, उसमें भी ये दूसरे पे ही पड़ेगा और ये भी चौथे पे पड़ेगा, तो क्या बताओ दोनों सेम है, both parent chain are same, we can take any, यहाँ पे हम लोग कोई भी ले सकते हैं because कोई भी substituent नहीं दिया है,
बोलो, समझ में आया क्या? कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई परेशानी? जल्दी बताओ, बोलो बोलो भाई। लॉन्गेस्ट ढूंढनी है ना, ढूंढ लिया हमने लॉन्गेस्ट। अच्छा, अब तुम्हारे सामने एक अच्छा सवाल देता हूं, शायद कि तुम कर पाओगे। यहां पे लगा दिया और यहां पे लगा दिया। आप बोलो कौन सी है लॉन्गेस्ट ट्रेन? अच्छा, विच वन? स्ट्रेट वन, मिडिल वन? मिडिल वन, हेफ्ट वन? ओके ओके ओके, एक दो तीन चार पांच छह सात, ये भी तो सेवन की रिंग है, इसमें क्या कमी है? व्हाट इज द क्या बोलेंगे इसको? तुम बोल रहे हो कि सर ये वाली ले लो, चलो मैंने मान लिया ये ले ली, तो ये वाली चेन बोलेगी मेरे में क्या कमी है, हम भी तो साथी हैं, वो भी साथी है, तो विच वन विल यू प्रेफर? हाँ बोलिए। यस आर नो? स्टेट वन, देखो मैं बता रहा हूं, दोनों में सेवन है, इसकी जो नंबरिंग होगी वो लेफ्ट से होगी, 1 2 3 4 5 6 7, ये तो करेक्ट है। अब नीचे वाली क्यों नहीं, उसका रीजन मालूम क्या है? इसके अंदर जो सब्स्टिट्यूटेड चेन है वो कितनी है? दो है। स्ट्रेट वाले के लिए सब्स्टिट्यूटेड चेन कितनी है? दो। फॉर स्ट्रेट पेरेंट चेन, जो कि पेरेंट चेन है, टू सब्स्टिट्यूटेड चेन, टू सब्स्टिट्यूटेड चेन, टू ब्रांच चेन, दो ब्रांचेज हैं कि नहीं? लेकिन अगर ये वाला ले लेते हम तो ब्रांच कितनी रह जाती? सिर्फ सिंगल ब्रांच। इस वाले सेप वाली के लिए कितनी ब्रांच है? सिर्फ। तो हमारा रूल जो है वो कहता है कि नहीं, कि हम उस वाली चेन को लेंगे जिसमें ज्यादा ब्रांचेस हो, जिसमें ज्यादा सब्स्टिट्यूएंटेड हो, तो इसलिए हम ये वाला नहीं लेंगे जिसमें ज्यादा ब्रांचिंग बोलेंगे। इन सिंपल वर्ड्स, इफ टू पेरेंट चेन्स या इफ टू चेन्स, टू लॉन्गेस्ट चेन हैविंग सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम, देन वी हैव टू टेक दैट वन विच हैज मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूटेड चेन। ये रूल जो है बच्चों याद रखना, यहाँ पे लिखा है मोर सब्स्टिट्यूटेड लॉन्गेस्ट चेन विल बी पेरेंट चेन। बोलो की बात है कि समझ में आती है कि नहीं आती है? दूसरा रूल फॉलो हुआ कि नहीं? कौन सा रूल लग गया? रूल नंबर टू। इस गेम के जो रूल्स हैं वो याद रखने पड़ेंगे, बिना रूल के गेम ओवर हो जाएगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस गेम का तीसरा सवाल है आपके सामने, यू हैव टू आंसर वेरी प्रिसाइजली, एक्चुअली दिस टाइम इट्स योर टेस्ट टाइम। बोलो भाई, थोड़ा सा बड़ा सवाल है, थोड़ा टेक योर टाइम, उसके बाद मुझे देना आंसर, जल्दबाजी नहीं करनी है। रूल्स आर रूल्स, रूल्स शुड नॉट बी चेंज। यू कैन चेंज बट रूल विल नॉट चेंज। तुम्हारा आंसर चेंज हो सकता है, रूल नहीं चेंज होगा। बोलोगे, बोलो क्या मैं इसको ले लूं? नंबरिंग की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं किधर को लूं किधर को नहीं लूं। क्या मैं इसको ले लूं? इसमें कितने कार्बन है, गिनो एक बार, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ, आठ है ना? और नीचे वाले में कितने? एक दो तीन चार पांच छ सात आठ, अरे दोनों में आठ है, तो
फिर कौन सी वाली लेंगे? सर मिडल वाली। क्यों, जब दोनों में आठ है तो मिडिल वाली क्यों? सर ज्यादा सब चेंज से मतलब सब स्टूडेंट चेंज से। कितने सबस्टूडेंट हैं मिडिल वाली के लिए बताओ? मिडिल वाले के सबस्टूडेंट में बना रहा हूं पेन नंबर ब्राउन से, एक मिडिल वाली के लिए, देखना ध्यान से, दो, तीन, कितने लोग को दिख गए मिडिल वाली के लिए? यस यस गए, यस अखिलेश, वेरी गुड, डाउन वन है ना, तो अभी सबको दिख जाएगा, नो प्रॉब्लम, पेन तो बदल लेने दो। और कौन सा पेन ले सकते हैं? ये वाला पर्पल कलर पेन ले रहे हैं हम लोग डाउन वन के लिए। डाउन वाली अगर चेन लेते हो दिस वन, ये तो बताओ इसमें कितनी सब्स्टिट्यूशन आएंगे? वन, सर उसमें भी 3 है। टू, थ्री, बोलो तीनों आए कि नहीं? हाँ सर। अच्छा, तो दोनों रूल सेम हो गए। अब तीसरा रूल लाओ, तीसरा रूल लाओगे कि नहीं लाओगे? अगर तीसरा रूल लाओगे तो बताओ, अगर स्ट्रेट वाली चेन लेते हो दिस वन, तो बताओ मिनिमम किस नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है? 3 नंबर पे आ रहा है ना, आ रहा है यस सर। दो बेस्ट। लेकिन अगर नीचे वाली लेते हो तो कितने पे आ रहा है? बोलो, दो पे आ रहा सेकेंड है पे ना, ही तो फिर कौन सी वाली लोगे? नीचे वाली लोगे, ठीक है। है? हाँ हाँ, सी वाले लिंक। इसको मिटाओ, इसको हटाओ, डैश वाला हटा दो, और इसको 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने लोगों को समझ में आ गया ये कि ऐसे नंबरिंग होगी इसमें? होगी, समझ में आता है कौन सा रूल लग गया? रूल नंबर सी लगा ना, रूल यस नंबर वन का रूल नंबर सी, मतलब मेन चेन सिलेक्शन का रूल नंबर सी लगा है, क्योंकि पहला रूल और बी रूल सेम आए थे, इससे काम हुआ नहीं, तो रूल नंबर सी लगाया। इसमें तीसरे नंबर पे आ रहा था, इसमें दूसरे पे ही सब्सटेंट आ गया, सब्सटेंट अगर जिसमें कम नंबर पे आएगा देन वी हैव टू टेक दैट वन, नॉट एट प्रॉब्लम होना चाहिए। आगे बढ़ाएं क्या, जल्दी बताओ, बोलो क्या तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? यस ओके, एग्जांपल ले लेते हैं। और देखो एग्जाम्पल से ही तो समझते हो तुम लोग, इसलिए एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। अच्छा गाइस, नाउ वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इजी बट इंपॉर्टेंट। किधर से नंबरिंग करेंगे, फ्रॉम विच साइड वी हैव टू नंबरिंग, बोलो विच साइड यू विल प्रेफर फॉर द नंबरिंग? बिकॉज लॉन्गेस्ट चेन आई विल नॉट आस्क, एक ही तो चेन है भाई, एक ही तो चेन है, उसको भी छीन लोगे क्या? नहीं ना, इधर से करेंगे कि इधर से करेंगे, बोलो गाइस, सर राइट से। इधर से करेंगे, जल्दी बताओ, राइट की लेफ्ट? गलती सर राइट से करेंगे। गलती नहीं करो, ये जो यहाँ पे बनाया है इमोजी जो है, ये बड़ी दुविधा में है, इसको और परेशान ना करो तुम लोग, अगर सर राइट वो से करो अपने परेशान हो सेकंड रूल जाएंगे। लिखा है सर, वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर मतलब सबस्टिट्यूएंट्स का अल्फाबेटिकल ऑर्डर ना। सुनो तो, उसके पहले भी तो कोई रूल आता है, देखो उसके पहले भी तो नो रूल आता है कोई, हाँ सर लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए सबस्टूडेंट को। लोवेस्ट नंबर किसको मिल रहा है बताओ, लेफ्ट से कि राइट से? जब सर लेफ्ट और राइट से दोनों को सेम ही मिल रहा है ना। तक खत्म नहीं होंगे तब तक करते रहेंगे, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस फाइंड करना है, सारे सब्सटेंट के लगाना है ना रूल,
apply the rule number one for all the substrate. Apply lowest locant rule for all the substrate. ऐसा नहीं कि पहले के लिए, सारे तो सब्सट्रेट है गाइस. है कि नहीं है बोलो. लेफ्ट से, वेरी गुड. अब देखो मैं समझा देता हूँ, तुमने तुम लोग ने अपना दिमाग अच्छे तरीके से यूज किया है, वेरी गुड. उसको तुम लोग ने सोचा, कुछ बच्चे तो बिल्कुल नहीं सोचते थे पहले जमाने में. अच्छा देखो, इधर से अगर मैं करता हूँ गाइस, तुमने बोला कि सर इधर से करो, अल्फाबेट वाला रूल बाद में आता है, पहले आता है लोवेस्ट लोकेंट. इधर ये एक नंबर पे, ये दो नंबर पे, फिर ये तीन पे, फिर ये चार पे, फिर ये पांच पे. तो पहला वन पे है, पांच पे, फिर सिक्स, फिर सेवन. अच्छा, वेरी गुड. राइट, इधर से कर रहे हैं, लेफ्ट से, लेफ्ट से कर रहे हैं. वन टू, मैच 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 मैच, वेरी गुड. लेकिन ये है भैया थ्री पे और यहां है पांच पे. नेक्स्ट वाला तो पांच पे आया ना, तो कौन जीतेगा? विच विल विन दिस वन? ये वाला जीतेगा ना, दिस वन विल बी रॉन्ग. बिकॉज जो सेकेंड है, बिकॉज सेकेंड सब्स्टिट्यूएंट इज नियर फ्रॉम लेफ्ट साइड, hence we will do numbering from left side. किस साइड से करेंगे? Yes, बहुत अच्छे. Next question, same सवाल ले रहा हूं. देखो triple C, ट्रिपल सी, फिर एक और सी, यहां ब्रोमीन, यहां ब्रोमीन, यहां क्लोरीन, यहां क्लोरीन. आप किधर से नंबरिंग करेंगे गाइस? यू हैव टू गिव द आंसर, आई विल नॉट गिव द आंसर. जल्दी बताओ, इट्स योर टाइम. लेफ्ट से या राइट से, लेफ्ट से या राइट से, राइट से या लेफ्ट से, ऐसा कुछ भी बताओ. देखो गाइस, इधर से करोगे तो एक दो तीन चार पाँच छ सात, कहाँ कहाँ पे लोकेंट आ रहा है? एक दो तीन चार, ये दो है, मतलब दो तीन और पाँच छ पे आ रहा है. इधर से देखो, इधर से एक दो तीन चार पांच छह, बताओ कोई फर्क है? टू थ्री फाइव सिक्स, टू थ्री फाइव सिक्स. देन विच विल यू टेक इन अकाउंट? अल्फाबेट ना, किसका अल्फाबेट पहले आता है, ब्रोमो या क्लोरो? ब्रोमो सर. ब्रोमो पहले आएगा ना, तो बी से चलूंगे और लेफ्ट से करूंगे. नॉट, गलत है ये. दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट. राइट या रॉन्ग? राइट या रॉन्ग में से क्या निकला? राइट. एनी डाउट्स? वेरी गुड, वेरी गुड. अभी तुम्हें समझ में आ गया? रूल्स बहुत ही आसान है और प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएंगे. आगे बढ़ा दूं कि नहीं बढ़ाऊं? लिख लिया है? चलो, तुम लोग कहते हो तो आगे बढ़ा देता हूँ. ठीक है, तुम लोग कहते हो तो आगे एक और क्वेश्चन दे देता हूँ. सी 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 सी, देन वन टू थ्री फोर के ऊपर से जा करके इधर लगाएंगे, इधर लगाएंगे और एक जस्ट आगे से ऐसे लगाएंगे, सी एल लगाएंगे यहाँ. बताओ भाई, अब बोलो गाइस, ये आज का सबसे टफ सवाल है. ये आज का, मतलब टुडे का टफेस्ट क्वेश्चन है ये.
ये सीएल है, इसको थोड़ा सा कलर बदल दे रहा हूँ, क्लोरो है ये, क्लोरो है। आसान, इसको टफ नहीं मानते लेकिन आज का ये टफ है। फॉर टुडे इट इज टफ, फॉर टुडे इट इज टफ। बोलो लेफ्ट राइट किधर से जाओगे? टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, नो प्रॉब्लम। सबसे पहले नंबर पे ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइ बटोर दो, वेयर यू हैव टू फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन डाइ। सो फर्स्ट रूल इज हेप्ट, बोलिए हेप्ट, हेप्ट से ज्यादा है बच्चे, 8 कार्बन है मुझे दिख रहे हैं, लेकिन मुझे दिख रहे हैं का मतलब है कि तुम्हें भी दिखने चाहिए। क्या मैंने कम बना दिए है? नहीं, मैंने 8 बनाए हैं गाइस। अरे गाइस, अगर कार्बन एटम 8 है, भले उसमें एक भी सब्स्टिट्यूशन ना हो, उस रिंग में होगा जरूरी, तभी तो दो रिंग एक साथ, दो चेन एक साथ दिख रही है। ज्यादा वाली को लेना है, दिस इज द रिंग मेन चेन। कितने लोग की आई है? 8 8 कार्बन है, कितने कार्बन है इसमें? कोई बच्चा बोलेगा कि सर मैं तो सीधे सीधे कुछ काम करता नहीं हूँ, मैं इधर से जाऊंगा तो 1 2 3 4 5 6 7, ये तो गलत है, इससे होगा नहीं। कोई बोलेगा नहीं सर मैं ऊपर से आऊंगा, आ जाओ 1 2 3 4 5 6 7, नहीं होगा इसका, 1 2 3 4 5 6 नहीं होगा सर, एक ही तरीका है। सीएल शुड बी कनेक्टेड टू मेन चेन, नहीं ऐसा थोड़ा ना है, ऐसा कौन बोलता है? अरे सीएल जरूरी थोड़ा ना है मेन चेन में कनेक्ट हो, नहीं कहीं पे भी हो सकता है गाइस, इट्स नॉट नेसेसरी। आई एम आस्क, मतलब तुम्हें ये पूछा है ना कि सीएल मेन चेन से कनेक्ट होना चाहिए, तो मैंने बोला कि नहीं ऐसा जरूरी नहीं है, इट इज नॉट नेसेसरी। फिर क्या बताऊं? अच्छा ठीक है, समझ गया ना। आप बताओ भाई किधर से नंबरिंग करेंगे? अच्छा तुमने क्वेश्चन पूछा था यस और नो में, नो उसका आंसर है नो, समझ गया मैं। लेफ्ट राइट, अरे यार सही से बताओ आंसर, लेफ्ट राइट बताओगे तो काम कैसे चलेगा? अच्छा एक और चेंज करता हूँ, आप बताओ, यहाँ पे सीएल लगा देता हूँ। नाउ व्हाट विल बी द आंसर गाइस? क्वेश्चन इज चेंज, क्वेश्चन इज चेंज, आप बताओ। उसका नाम इथाइल आ रहा था ना, तभी बोले तुम लोग। ओके ओके गाइस, ओके आई कैन अंडरस्टैंड। हाँ राइट से करेंगे, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखो इसका नाम जो है वो क्या है, वो उस पर बाद में जाएंगे, हम पहले देख लेंगे कि अगर मैं इधर से जाता हूँ, चलो मैंने पहले लेफ्ट से देखना है, अगर मैं लेफ्ट से जाता हूँ तो 4 पे आ रहा है, फिर 5 पे आ रहा है, उसके बाद सब कुछ सेम है। अगर मैं इधर से आता हूँ तो 1 2 3 4, 4 पे आ रहा है, देन 5 पे आ रहा है, वो भी सेम है। और नाम अगर देखूँ है ना, तो हम इसका नाम जो है वो क्या लिखेंगे, इसका नाम क्या आएगा? इसका नाम आएगा क्लोरो इथाइल, इसका नाम क्या आएगा? क्लोरो इथाइल। अच्छा इसका जो नंबरिंग है वो कैसे करते हैं? सब्सट्रेंट के अंदर अगर कुछ नंबरिंग करना हो, इफ वी हैव टू डू नंबरिंग इन द सब्सट्रेंट, इफ वी हैव टू डू नंबरिंग इन द सब्सट्रेंट कैसे करते हैं? जिस कार्बन से ये कनेक्ट होता है मेन चेन से, इसको एक नंबर देते हैं, ये इनसाइड द ब्रांच नंबरिंग है, और दूसरा कार्बन फिर ये होगा, 1 डिग्री नहीं, 1 है ये, 1 2 अलग नंबरिंग होती है इनकी अपनी। यहाँ पे 1 पे क्लोरो लगाया है तो इसका नाम है 1 क्लोरो इथाइल, 1 क्लोरो इथाइल। इसका नाम क्या है? 1 2, इसका नाम है 2 क्लोरो इथाइल। आप बताओ
वन क्लोरोइथाइल को कम नंबर मिलना चाहिए या टू क्लोरोइथाइल को, जिसमें सबस्ट्रेट कम नंबर पे लगा हो ना। इसमें क्लोरो वन नंबर पे लगा है इनसाइड द चेन, इसमें क्लोरो दो नंबर पे लगा है इनसाइड द चेन। यस गाइस, नाउ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाई द नंबरिंग इज डन फ्रॉम द लेफ्ट साइड। तो ऊपर वाला कहानी गलत है, दिस इज रॉन्ग, और लेफ्ट वाला राइट, लेफ्ट टू राइट करेंगे, किधर से करेंगे, लेफ्ट राइट। आया समझ में? हाँ, राइट टू लेफ्ट। अच्छा, मैंने लेफ्ट राइट गलत लिख दिया, ये तो गलत बात है, राइट टू लेफ्ट ना गाइस, जो टिक का निशान होता है मेरा वो सही होता है, अभी याद रखना, जो लिखा होता है वो गलत हो सकता है, उसको सही कर देता हूँ मैं, बट टिक का निशान कभी भी गलत नहीं होता है। ओके, नाम जो बोल रही हो तुम, नाम तुम्हारा सही है, बस ब्रैकेट लगा देना उसमें, फोर ब्रैकेट डैश लगा के वन क्लोरोइथाइल, फाइव ब्रैकेट टू क्लोरोइथाइल ऑक्टेन, वेरी गुड। सर, जो सब्सटिट्यूएंट है उसमें भी तो नंबरिंग लाइक चेंज कुछ और हो सकता है ना, ये स्पेसिफिक अगर हम चेंज करें तो नाम चेंज होगा? नाम चेंज तो है इसका, इसका नाम है वन क्लोरोइथाइल, इसका नाम है टू क्लोरोइथाइल, और कैसा चेंज बताओ? अगर टू क्लोरोइथाइल में जो हमने टू लिया है उसको अगर हम वन नंबर करें तो उसमें कुछ स्पेसिफिक ऑर्डर है नंबरिंग का, वही आगे पीछे किसका लेना है? वन क्लोरोइथाइल पहले लिखना पड़ेगा, है ना, टू क्लोरोइथाइल बाद में लिखना पड़ेगा, ऐसा नहीं सर, सब्सटिट्यूएंट में जो नंबरिंग हो रहा है वो, हाँ, वो अगर हम अलग कर दे तो। अच्छा, वन डैश टू डैश ऐसा कुछ, या अल्फा बीटा ऐसा, अलग का मतलब क्या? मतलब अगर हम अभी जो कार्बन को वन किया है उसको टू ले, और जिसको टू लिया है उसे वन ले, नहीं ऐसा नहीं कर सकते, हमने लिखा ना जब हम नंबरिंग करते हैं तो हम नंबरिंग स्टार्ट करते समय मेन चेन से देखते हैं पहला कार्बन कौन, उसका नंबर वन दिया जाएगा। अच्छा ओके, हाँ सर वही पूछना था। अच्छा, ये नहीं लिखा है, मैं लिख देता हूँ, रुको, ये तो जेन्युइन सवाल है, लिखो इसको, सही बात है तुम्हारी, ऐसा तुम क्वेश्चन पूछ सकते हो कि क्लोरो देख के मैं नीचे ऊपर कर दूं, तो नहीं ऐसा नहीं करना है, मैं लिखा रहा हूँ याद रखो, नंबरिंग ऑफ साइड चेन विल ऑलवेज बी डन, चाहे उसमें जो भी लगाओ उसके लिए रूल अलग है, वेरी गुड, सही क्वेश्चन पूछा है तुमने, फ्रॉम दैट कार्बन एटम, वैसे मैंने इसको समझाया था अभी, लिखाया नहीं लेकिन बोला था बीच में ना कि हमेशा नंबरिंग पेरेंट चेन से करेंगे, विच इज connected to main chain, main chain, देखो ये main chain लिखा हुआ है, दिख गया ना, side chain की numbering हमेशा कहाँ से करेंगे, मान लो हमारी ये side chain है, अब तुम बोलो कि सर इसमें जो है यहाँ CL लगा है, यहाँ कुछ और लगा है, OH लगा है, यहाँ जो है BR लगा है, तो इसमें अल्फाबेट वगैरह कुछ भी नहीं चलेगा, इसमें नंबरिंग यहीं से होगी, ये क्वेश्चन पूछा था तुमने, वेरी गुड, है ना, ऑलवेज फ्रॉम दिस साइड, हमेशा कहाँ से होगी, पेरेंट चेन से देख के करेंगे, इसको नंबर वन, इसके बाद वाले को नंबर टू, इसके बाद वाले को नंबर थ्री, चाहे उसमें जो भी लगाओ, नो प्रॉब्लम, नॉट एट ऑल। चलो अब इसके तो ये तो हो गए नियम, नियम बहुत सारे पढ़ लिए, अब नाम लिखना से एक्चुअल नेम्स, चलो बताओ इसका नाम क्या आएगा, क्या नाम आएगा बोलो, अरे हाइड्रोजन लगे हुए हैं उनको छुपाया है बस, क्या नाम आएगा, सिंगल बॉन्ड है दो कार्बन है तो एथ, सिंगल बॉन्ड लगा है तो एन, ना तो कोई सफिक्स है ना तो कोई प्रेफिक्स है, प्राइमरी सफिक्स था लगा दिया, एथ, एथ जो है वर्ड रूट है, ये क्या है रूट वर्ड या वर्ड रूट, प्लस एन जो है वो सिंगल बॉन्ड के लिए लगाया है, सैचुरेटेड है, नाम आ गया एथेन, ठीक है, अब आगे चलते हैं, इसका नाम क्या आएगा, तो नंबरिंग किधर से करेंगे, जहां सब्सटेंट लगा है, वन टू थ्री, वन क्लोरो
दिस इज द सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स ओपन चेन में होता नहीं है, साइक्लो जो है वो तो होगा ही नहीं, जब साइक्लो होगा तभी आएगा। वन क्लोरो के तुरंत बाद में क्या आ जाएगा, जो इसका वर्ड रूट है, वर्ड रूट है इसका प्रोप, प्रोप पूरा नाम एक साल लिखना है, जब तक स्पेलिंग्स आएंगी ना इंग्लिश के, जो ये लेटर्स आएंगे एक सी एच, इनमें कोई गैप नहीं छोड़ेंगे, विदाउट गैप लिखेंगे, प्रोप सिंगल बॉन्डेड वन क्लोरोप्रोपेन, वन क्लोरोप्रोपेन, वेरी गुड वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, सी 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 एल नाम क्या आएगा बताओ, जल्दी बताओ, फास्ट फास्ट, सबका नाम बताओ, नहीं बताओगे, बता रहे हो, अच्छा वन, चाहे इधर से करो चाहे उधर से करो, क्या दिक्कत है, क्लोरो टू क्लोरो प्रोपेन। चलो भैया चलो आगे, चलो आगे बढ़ो आगे आगे आगे, चलो क्या नाम आएगा बताओ, बोलो भाई, नंबरिंग किधर से करेंगे, किधर से करोगे नंबरिंग, आज तो बताना ही पड़ेगा, बिकॉज आपको तुमने पढ़ लिया है, पहले तो पूछता नहीं था मैं कभी, लेफ्ट से करेंगे, बिकॉज ब्रोमीन जो है उसका नाम भी है, बाकी सारे के पॉइंट, सारे पॉइंट सेम है, वेरी गुड टीचर, एक नंबर इसको मिलेगा, दो नंबर इसको मिलेगा, तीन नंबर इसको मिलेगा, थोड़ा सा फर्क है इसके बीच, लेफ्ट से थोड़ा सा फर्क है, तो क्या आएगा, वन ब्रोमो, हाँ जैसे ही नाम आएगा और कोई लेटर आएगा उनके बीच में हमेशा डैश लगाना पड़ेगा गाइस, क्या लगाना पड़ेगा, डैश, डैश बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं इसको, टू क्लोरो थ्री आयोडो, लेकिन आयोडो के बाद में क्या आ रहा है, वर्ड रूट प्रोप, तो फिर कोई गैप नहीं देना, डायरेक्ट लिख देना, एन, कितने लोग ने ऐसे नाम लिख पाया, वन ब्रोमो टू क्लोरो थ्री आयोडो प्रोपेन, ए बी सी डी सबने पढ़ी है ना, उसको बोलते हैं अल्फाबेट, बी पहले आता है अल्फाबेट में, सी बाद में आता है अल्फाबेट में, और आई सबसे बाद में आता है, कोई बात है, नहीं आती है समझ में, अगर दो ब्रोमो हो, हिंट हिंट या इंपॉर्टेंट चीज लिखो, इफ टू बी आर देन डाई वर्ड यूज करो, डाई ब्रोमो, मतलब अगर दो सब्सटेंट आ जाए एक ही साथ में तो उसको लिखेंगे डाई, और जो डाई ट्राई होगा, डाई ट्राई टेट्रा विल नॉट बी कंसिडर्ड इन द अल्फाबेटाइजेशन, सारे छोटे छोटे रूल याद करने पड़ेंगे, अभी तो करवाओगे कुछ, अल्फाबेटाइजेशन ये वर्ड यूज किया जाता है, मतलब अल्फाबेटिक ऑर्डर जो लिखा जाएगा उसमें डाई ट्राई टेट्रा का यूज नहीं करेंगे कभी भी, एग्जांपल लिखो, सी 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 फिर सी दूसरे में लगा दिया सी एल, तीसरे में लगा दिया बी आर, चौथे में लगा दिया बी आर, नंबरिंग किधर से करेंगे गाइस, कितने लोग ने कहना है रेड से करना है, राइट से मतलब, और हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दैट नंबरिंग शुड बी फ्रॉम द लेफ्ट साइड, हाँ राइट से, नहीं अमन जल्दी से देख के बताओ, अमन राइट से क्यों करोगे, अमन पहले लोवेस्ट लोकेंट देखेंगे गाइस, ये इधर से दूसरे नंबर पे आता है ना, ये इधर से तीसरे नंबर पे आता है, तो ये कहानी खत्म, अल्फाबेट को देखना ही नहीं है, फर्स्ट रूल, फर्स्ट रूल इज द लोवेस्ट रूल, वेरी गुड, अब तीन नंबर चार नंबर पांच नंबर और छह नंबर, तो वर्ड रूट हो गया हेक्स, सिंगल बॉन्ड तो हो गया एन, ये तो हमें पता चल गए, अब इनके नाम लिखो, नाम पोजिशन के साथ लिखो, पहले दो क्लोरो लिखेंगे, थ्री ब्रोमो फोर ब्रोमो, तो थ्री ब्रोमो और फोर ब्रोमो ये नहीं लिखते हैं, इट इज नॉट गुड एक्चुअली गाइस, इस तरीके से नहीं, थ्री कॉमा फोर लिखते हैं ना, हाँ लिखेंगे थ्री कॉमा फोर
डाइब्रोमो, 3.4 डाइब्रोमो है ना, 3 पे लगाए 4 पे लगाए, 3.4 4 दोनों पे लगाए, कितने ब्रोमो लगे, 2 ब्रोमो, डाइब्रोमो डाइब्रोमो ठीक है, 3.4 डाइब्रोमो। एंड फिर कितने पे क्लोरो लगा है, 2 क्लोरो हेक्सेन, कितने लोगों ने यह नाम लिखा है गाइस। अच्छा बताओ ये डाई जो है ये अल्फाबेट में यूज नहीं हुआ, अल्फाबेट में यूज किया हुआ है, हम इसको डार्क कर देते हैं, बी सी, बी और सी यूज हुआ है, डाई इज नॉट यूज्ड इन द अल्फाबेटाइजेशन, अल्फाबेटाइजेशन में यूज नहीं हुआ, डिक्शनरी डाई पे नहीं लग रही है, डाई ड्राई टेट्रा पे डिक्शनरी नहीं लगाओगे। चलो 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 आगे बढ़ते हैं, चलो 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 आगे बढ़ते हैं। अब तो ये थोड़ा ज्यादा टफ लग रहा है मुझे नाम, क्या नाम आएगा इसका बोलो गाइस, बोलो जल्दी बोलो, लेफ्ट की राइट, हाँ जी लेफ्ट की राइट जी। चलो यहां सीएल लगा दिया, आप किधर से, लेफ्ट की राइट, कैसे करेंगे, अभी भी लेफ्ट से होगा ना, भले ही ये एक नंबर पे आ रहा है लेकिन दूसरा वाला फिर दूसरे पे आ गया ना, ये इधर से करेंगे तो 1 2 पे आया, लेकिन यहाँ पे 2 पे 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं ना, तो फिर इधर से ही करना पड़ेगा, लेफ्ट से करो, 1 2 3 4 5 6 नाम क्या आएगा बताओ, ब्रोमो पहले आएगा कि क्लोरो, सर ब्रोमो, ब्रोमो कितने हैं, 3 है, 2, 1 2 3 हो, 1 2 3 तो नाम क्या आएगा, 3.3.4 ट्राई ब्रोमो, क्या इतना समझ में आया सबको, यस आर नो, यस ओके, उसके बाद 2.2.5 ट्राई क्लोरो, आगे क्या आएगा, आगे बोलो हेक्सेन, ये है हमारे पास सॉल्यूशन, 3.3.4 ट्राई ब्रोमो, 2.2.5 ट्राई क्लोरो हेक्सेन, कितने लोगों को समझ में आ गया, ये कितने लोगों ने ये नाम एकदम सही लिखा था, हैंड रेज करो, या अभी लग रहा है कि ऐसा लिख देता मैं, लिख देते ऐसे, ओके वेरी गुड, यस ओके वेरी गुड, ओके 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 ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं, इसको पढ़ के आना, आओगे ना, ओके तो इसके बाद में क्लास नहीं है, नो सर, नहीं तो एंड करते हैं फिर मीटिंग को, चलो बाय बाय, सो प्लीज इसको पढ़ के आ जाइए, ओके वेलकम, बाय बाय, थैंक यू एवरीवन।